हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 41,520 भर्ती से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट बातें। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल से जुड़े होंगे तो आपको पता होगा कि ये जो पूरी मतलब जो भी मैटर है, ये आपकी 7,000 प्लस जो सीटें खाली है, ठीक है, उसी को भरने के संबंध में ये जो सारी प्रक्रिया, जो भी प्रोसेस है वो चल रही है, जिस पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं कि जो भी सीटें हैं वो भरी जाए, जल्द से जल्द भरी जाए। और मान लो 7,000 प्लस ऐसे स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा जो कि सिलेक्शन उनका नहीं हुआ और बहुत ही मेहनत कर रहे हैं और थोड़ी सी कम मेरिट की वजह से मतलब जो है उनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया। तो फ्रेंड्स, इसीलिए ये आपकी जो भी मतलब सुनवाई हो रही है कि ये सीटें भरी जाएँ और भी बच्चों की मतलब नई लिस्ट जारी की जाए और उनकी जो है सिलेक्शन कराई जाए। तो अब देखिए, इसी के संबंध में जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि आपकी जो सुनवाई होने वाली है वो 2 जनवरी को होने वाली है। जैसे कि अगर आप चाहें तो केस स्टेटस भी चेक कर सकते हैं हाई कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर। आप देख सकते हो, ये है आपका मतलब पूरा जो भी फिलिंग डेट प्लस डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। और चलिए हम जान लेते हैं आपकी केस स्टेटस। जैसे कि हमने आपको पहले भी बता रखा है, लेट्स सी। तो जैसे कि सबसे पहले तो आपके मन में यही चल रहा होगा कि 2 जनवरी को मतलब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। हम सारे इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं और बस आप इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देख लीजिए। और हाँ, अगर आप भी 41,520 में अगर आपको भी अपना सिलेक्शन पाना है, अगर आप थोड़ी सी मेरिट की वजह से पीछे रह गए, तो फ्रेंड्स आपको बहुत ही अच्छा मौका मिल सकता है। तो देखिए, फर्स्ट हियरिंग तो हमने बात कर लिया आपकी 22 नवंबर 2019 को हुआ था, जो कि बहुत अच्छा सुनवाई किया गया था और आपके हक में ये फैसला लिया भी गया और जो कोर्ट है वो फटकार भी भर्ती बोर्ड को लगा दिया, जब खाली सीटें हैं तो क्यों नहीं भरा जा रहा है। प्लस हमने आपको प्रीवियस वीडियो में डाटा के साथ दिखाया था कि कितनी सीटें अभी खाली हैं, जैसे कि 3100 प्लस आपकी तो सिविल में खाली है और प्लस पीएससी में भी बहुत सारी मतलब कि 7,000 प्लस जो है वो अभी भी आपकी सीटें खाली हैं। तो देखिए, नेक्स्ट हियरिंग क्या थी हमारी, कि मतलब कि नेक्स्ट हियरिंग हमारी थी कि 2 जनवरी को कराई जाएगी। और देखिए, केस इन परमानेंट लिस्ट एंड मतलब कि जो आपका केस है वो परमानेंट लिस्ट में जो है वो रखा गया है। परमानेंट लिस्ट वो होता है जिसमें मतलब डेली का 11 से 12 केसेस जो है उनकी सुनवाई कर ली जाती है, इसे आप परमानेंट लिस्ट कहते हैं। तो इसी में जो है इनका मतलब हमारी सुनवाई कराई जा रही है। तो देखिए, पहले आपका मतलब कि विच करेंट सीरियल नंबर, पहले आपका जो सीरियल नंबर था 1089 था, अब आपका जो करेंट सीरियल नंबर जो है वो 6667 है, मतलब कि 67 जो है, ठीक है। और बैंच ID 5798 है। तो फ्रेंड्स, ये तो आपकी हो गई शॉर्टली बातें। और देखिए, स्टेज फॉर केस फॉर फाइनल डिस्पोजल, मतलब भर्ती बोर्ड ने तो बोल दिया है, सॉरी, कोर्ट ने बोल दिया है कि कोई एक फैसला लिया जाए और जो भी लिया जाए वो मतलब स्टूडेंट्स के हक में लिया जाए, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा कि मतलब जो पिछली वाली सुनवाई हुई उसमें जो है भर्ती बोर्ड को बहुत ही फटकारा गया है और देखिए, भर्ती बोर्ड के पास अब कोई जवाब बचा नहीं है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है और हम आपको ऑफिशियली भी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं जैसे इससे रिलेटेड। और देखिए, अगर हम नेक्स्ट सुनवाई की बात करें तो पहले तो हम लिस्ट दिखा देते हैं आपको। तो जैसे कि आपको पता होगा, ये जो भी UPP लीगल टीम है, इसे जो लीड कर रहे हैं वो रूपेश भाई कर रहे हैं, ठीक है। और बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, सारे स्टूडेंट देख सकते हैं परमानेंट मतलब कि परमानेंट लिस्ट में आपका स्थान कहाँ है, आपको मैं ये भी दिखाऊंगी। आप चाहें तो ऑफिशियली भी जाकर देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो देखिए, ये परमानेंट सीरियल नंबर ये आपके बदलते रहते हैं, बेंच टाइप क्या है आपकी, केस नंबर, कैटेगरी, शॉर्ट ऑर्डर, मतलब सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिल जाएगी। तो चलिए हम देख लेते हैं आपका कहाँ मिलेगा। जैसे कि अभी आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है, यहाँ आप देखिए, हमने आपको पहले भी दिखाया 67, ठीक है। और आपका जो मतलब कि 1089 था पहले, अब घटकर जो है 67, मतलब कि अब आप यहाँ देखिए, ये आपका गोरखपुर और ये आपका फोर फाइनल डिस्पोजल। और देखिए, इसमें मतलब कितने स्टूडेंट्स ने, अजीत यादव प्लस 115 अदर्स ने जो है ये रीट डाली है एक साथ मिलकर। और स्टेट ऑफ UP मतलब यूपी, और देखिए तरुण अग्रवाल प्लस प्रशांत मिश्रा,
इन दोनों ने जो है रीड डाली है। तो अभी आप देख सकते हो इसके संबंध में बहुत सारे स्टूडेंट्स मतलब कि बहुत मेहनत कर रहे हैं और आप भी इसके साथ जुड़ जाइए, ठीक है। और देखिए ये जो ऊपर वाला है ना, ये भी मतलब इसी से संबंधित है ये दोनों, ठीक है। और देखिए आप सबसे पहले तो हम आपको ये बता देते हैं, अब आपके मन में ये चल रहा होगा कि नेक्स्ट सुनवाई कब तक होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट सुनवाई की अगर हम बात करें तो जैसे कि आपको पता होगा मतलब कि नेक्स्ट सुनवाई आपकी 8 मतलब कि 8 या फिर 9 जनवरी को हो सकती है, ठीक है। अभी कोई डेट नहीं आई है क्योंकि अभी जैसे कि आपको पता होगा अगर आप हमारे चैनल से जुड़े होंगे तो 2015 प्लस 2016 की जो वैकेंसी थी वो भी अभी जो मामला है वो कोर्ट में ही चल रहा है, ठीक है। तो उसकी सुनवाई जो है वो सबसे पहले कराई जाएगी और उसके बाद जो है ये आपकी मतलब कि ये आपकी 41,520 की सुनवाई होगी। मतलब आप ये मान के चल सकते हो कि 8 या फिर 9 तारीख को जो है आपकी सुनवाई नेक्स्ट सुनवाई हियरिंग मिली है डेट, और बहुत ही अच्छा है। जैसे कि हो सकता है कि मतलब कि आपको टाइम मिले और ये भी फैसला हो जाए तो अच्छा है। और आपको पता होगा बीच में ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको पता होगा शनिवार को छुट्टी है प्लस शनिवार प्लस आपका संडे, ये 2 दिन छुट्टी, उसके बाद से सोमवार का मतलब आपका कोर्ट खुलेगा, उसके बाद से ही मतलब कोई प्रक्रिया चलेगी अभी, ठीक है। तो मतलब आप मान के चलो कि 7 या फिर 8 9 को नेक्स्ट सुनवाई है, नेक्स्ट हियरिंग है, और जो भी फैसला होगा वो आपके ही हित में होगा, आपको बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। और इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो हम आपको जरूर बताएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस मैंने सोचा क्योंकि आपके कमेंट्स आ रहे थे कि जो 2 जनवरी को क्या हुआ, तो 2 जनवरी को क्या हुआ अब हम आपको ये बता देते हैं। 2 जनवरी को फ्रेंड्स सुनवाई नहीं हुई क्योंकि टाइम नहीं मिला। मैंने आपको पहले भी बोला 11 से 12 सुनवाई मतलब केस सुनवाई करी जाती है परमानेंट लिस्ट वाले को, ठीक है। और उसमें जो है नंबर नहीं आया, इसलिए 2 जनवरी को जो है वो सुनवाई नहीं हुई। तो नेक्स्ट हियरिंग डेट मिली है तो बस अब उसका वेट करते हैं और कर भी क्या सकते हैं, बाकी आपके ही फेवर में फैसला आएगा, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड हाँ अगर आप न्यू वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम इस चैनल से लाइव क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर पूछे जा चुके हैं, प्रीवियस पेपर पूछे जा सकते हैं, हम आपको वही क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।